खुदा को हाजिर नाजिर जानकर अपने अदारों, अपने जिम्मेदारान और अपनी कौम के सामने ये वीडियो बयान जारी कर रहा हूं कि जुल्म की इंतहा कर दी गई है। हमारे छोटे छोटे बच्चों को उठाया जा रहा है, 11 साल के सैयद ऑन मोहम्मद को, हमारे दोस्तों को, दोस्तों की फैमिलियों को, जिनका कोई जुर्म नहीं। और मैं तो पाकिस्तान में ही नहीं था। और ये जुल्म, बर्बरियत, फस्ताइयत, चंगेजियत और दहशतगर्दी जो पुलिस फैला रही है एक सोची समझी साजिश के तहत, जिसमें मुकामी सियासी लोग जिनकी कोई हैसियत नहीं है और जो आवाम में मुंह दिखाने के काबिल नहीं है वो शामिल हैं, ये झूठा प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि ये ऊपर से हुक्म है, ये ऊपर से हुक्म है। अल्लाह के फजल करम से सारी जिंदगी हम अदारों के साथ खड़े रहे हैं, पाकिस्तान की अजीम फौज के साथ खड़े रहे हैं, और दोनों जंगों में सिविलियन होने की हैसियत से भी शिरकत की, बच्चा था 16 साल का। लेकिन एक हद होती है जुल्म की। मैं खुदा के सामने अहद करता हूं, अगर खुदा ने मुझे जिंदगी दी तो ये पुलिस अफसरान, ये पुलिस जिम्मेदारान इस वक्त भी सैयद ऑन मोहम्मद वारस खान थाने में मौजूद हैं। बैलफ जाता है तो ये इधर उधर कर देते हैं, इन्होंने थानों को कुवत खाना बना दिया है। और इतनी रिश्वत हो गई है पुलिस स्टेशन में, मैं अदारों को कहूंगा कि अपनी एजेंसीज को कहें कि ये एक नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, इसके नतायज बुरे निकलेंगे। और इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह अजीम है, अल्लाह के पास इज्जत है, ताकत है, हुकूमत है, वो जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है जलील कर देता है। मेरे मौला को मंजूर हुआ इन तमाम लोगों को, इन तमाम लोगों को मैं कानून के शिकंजे में लाऊंगा। ये ना समझे हमारे पास सारी वीडियोस हैं, किस तरह हमारे घरों को तोड़ा गया, हमारे फोन, हमारी कैश, हमारी घड़ियां, सब कुछ ले जाओ। मैं तो यहां था ही नहीं पाकिस्तान में, सब कुछ ले जाओ। लेकिन एक बात याद रखो कि पाकिस्तान में नफरत को खत्म करना है। नफरत आग की तरह फैल रही है और ये आग की चिंगारी किसी जगह से भी शोला ज्वाला बन जाएगी और मुल्क किसी नई आफत और मुसीबत में पड़ जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी साजिश है, काम सारा पुलिस और मकामी सियासी लोग कर रहे हैं और मलबा सारा जो है वो अदारों पे डाल रहे हैं। हालांकि अदारों को कोई खबर नहीं है कि थानों में इस वक्त क्या हो रहा है। शहरी थानों में, अकूबत खानों में जुल्म की इंतहा हो रही है। अगर अल्लाह ने हिम्मत दी, जिंदगी दी इन तमाम लोगों को, इनकी सब वीडियो ऑडियो कैसेट्स मौजूद है, वक्त आने पे कानून के कटहरे में खड़ा करूंगा। और मेरे मौला ने चाहा तो सच की फतह होगी। चंद हफ्तों की बात है, चंद दो तीन हफ्तों की बात है, इसके बाद ये रात, ये जुल्म की रात खत्म होने जा रही है। और इंशाअल्लाह ताला काला काला रसूलल्लाह का आलम बुलंद होगा और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह का झंडा बुलंद होगा और ये जालिम शिकस्त खाएंगे और गरीबों की बद्दुआ पड़ेगी। इस वक्त 23 मेरे दोस्त, रिश्तेदार, उनके बच्चे इन्होंने उठाए हुए हैं और अदालतों में कहते हैं कि हमने कोई नहीं उठाया, हम पे कोई केस नहीं है, हम पे कोई केस नहीं है। अल्लाह बहुत बड़ा है, इंशाअल्लाह वक्त आने पर इन तमाम जालिमों को कानून के कटहरे में खड़ा करूंगा, इन तमाम जालिमों को सबूत के तहत कानून के शिकंजे में लाऊंगा और फतह हक और सच की होगी। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।